92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुजीत कुमार ने हिंदी फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट और विलन के किरदारों को पर्दे पर निभाया। राजेश खन्ना की कई सारी फिल्मों में उन्होंने साथ काम किया। आपको याद होगा आराधना का वो गीत मेरे सपनों की रानी, जिसमें जीप के ऊपर फिल्माए गीत में माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं सुजीत कुमार जी। बनारस से ताल्लुक रखने वाले सुजीत कुमार तो ग्रेजुएशन के बाद MBA करने के लिए लंदन जाने का विचार कर रहे थे, लेकिन बाहर नहीं गए और वहीं के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में हो रहे एक प्ले में भाग लिया। ये प्ले प्रिलिम्स से गुजरता हुआ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल से गुजरता हुआ आ गया फाइनल में, जहाँ डायरेक्टर फणी मजूमदार को फाइनल के जज के तौर पर इन्वाइट किया गया था। प्ले हुआ, सुजीत कुमार की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर घोषित कर दिया गया। प्ले के बाद दादा फणी मजूमदार ने सुजीत कुमार से मिलकर कहा कि तुम अच्छा काम करते हो, दिखने में भी ठीक हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। सुजीत कुमार जी को भी आइडिया जम गया। फणी मजूमदार उन दिनों धर्मेंद्र और नंदा को लेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था आकाशदीप। उन्होंने ऑफर दे डाला कि मेरे असिस्टेंट बन के हमसे एसोसिएट हो जाओ, उसके बाद अगली फिल्म मैं तुम्हारे लिए करूँगा। आकाशदीप फिल्म फ्लॉप हो गई। इस वजह से वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि एक न्यू कमर को लॉन्च कर सके अपनी फिल्म में। सुजीत कुमार साहब ने प्रोड्यूसर्स के दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, कुछ फिल्मों में एज एन असिस्टेंट भी काम किया। उन दिनों भोजपुरी फिल्में बननी तकरीबन शुरू हो गई थी और इसी दौरान सुजीत कुमार को भोजपुरी फिल्म गंगा मैया की गोद में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म रिलीज हुई और चल निकली। तब इस फिल्म के प्रोड्यूसर नासिर हुसैन ने उन्हें अगली फिल्म में हीरो के लिए साइन कर लिया। ये हीरो की फिल्म साइन करके सुजीत जी बहुत खुश हो गए, लेकिन इस फिल्म के शुरू होने से दो दिन पहले ही उन्हें हटाकर असीम कुमार को ले लिया गया। पहला झटका। असीम नासिर हुसैन की पिछली फिल्म में भी काम कर चुके थे। सुजीत कुमार को बताया गया कि फिल्म की हीरोइन ने सुजीत कुमार के साथ काम करने से मना कर दिया है, वो अब असीम के साथ काम करना चाहती हैं। सुजीत कुमार के लिए ये और बड़ा झटका था, तो उन्होंने सोच लिया कि अब कोई फिल्म करेंगे ही नहीं। इसी बीच उनसे बच्चू भाई शाह ने एक फिल्म के लिए कॉन्टैक्ट किया। इस फिल्म का टाइटल था विदेशिया। लेकिन फ्रस्ट्रेशन और आक्रोश से भरे हुए सुजीत कुमार ने उन्हें मना कर दिया कि अब वो कोई फिल्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर शाह उन्हें साइन कर भी लेंगे तो फिल्म की हीरोइन उनके साथ काम करने से मना कर देगी, जिसके बाद वो आकर कहेंगे कि प्रॉब्लम है, हम ये फिल्म साथ नहीं कर सकते और फिर मैं हटा दिया जाऊंगा। ऐसे विचार उनके दिमाग में चल रहे थे। इस पर शाह साहब ने सुजीत कुमार से कहा, चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ कि फिल्म की हीरोइन ने तुम्हें हटाने की बात की तो मैं फिल्म की हीरोइन नाज को ही हटा दूंगा। नाज जो बेबी नाज हुआ करती थी किस जमाने में। सुजीत कुमार को कॉन्फिडेंस आया और शाह साहब उन्हें लेकर हीरोइन के घर पहुंचे। वहां जाकर जब शाह ने नाज को सुजीत कुमार के फिल्म से हटा देने के डर के बारे में बताया तो नाज खूब जोर से हंसी और बोली, अगर फिल्म के डायरेक्टर को आप इस रोल के लिए पसंद हैं तो मैं कौन होती हूं मना करने वाली। और इस तरह सुजीत की ये फिल्म बनी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसने उनके लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे खोल दिए और तब उन्होंने अपनी लाइफ की पहली हिंदी फिल्म साइन की, जिसका टाइटल था एक साल पहले। ब्रेक के बाद बताऊंगा कि सचिन पिलगांवकर का फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।